हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिष किचन जेबी। आज बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल में चीज़ गार्लिक ब्रेड, जो बहुत ही कम सामानों से बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें जो ये बटर मैं डाल देती हूँ, और ये देखिए कटी हुई जो लहसुन जो है उसे भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा गार्लिक का यूज़ ज़्यादा करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, और इन सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में से रख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा बटर गार्लिक बटर रेडी हो गया है। अब दूसरे बाउल में यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़े ऑरिगेनो लिए हैं, इटालियन हर्ब्स लिए हैं। इटालियन हर्ब्स ना हो तो आप हर्ब्स मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ये देखिए मैंने अमचूर पाउडर यूज़ किया है। यहाँ लेंगे मैदा जो मैंने यहाँ भी 4 चम्मच लिया है। अगर जब डो तैयार करेंगे उसमें अगर ज़रूरत होगा तो मैदा हम और ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे नमक तरह से। और यहाँ मैंने देखिए बॉयल और मेस्ड पोटैटोज़ हैं, ये मैंने उबाल कर रखा था अच्छे से, और इसको जो है मैंने इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। डो तैयार करते वक्त अगर लगेगा मैदा की ज़रूरत तो मैदा और लेकर अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से डो रेडी हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, और जो इसे देखिए जो मैंने डो तैयार किया है उसको जो है इस पर एक रोटी की तरह, जैसे रोटी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हम लोग रोटी का शेप देंगे। देखिए इस तरह से है, उसको रोल करना है। ये देखिए इस तरह से, इसको जिस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा इक्वल पूरा, देखिए इस तरह से ऐसे करके हम डो को जो है अच्छे से फैलाएंगे। इस तरह से ये पूरे गोल बनाना है एकदम। जो मैंने गार्लिक बटर बनाया था अब वो यहाँ यूज़ करूँगी मैं। इसको जो अच्छे से पूरा फैला लेंगे, ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जो है स्प्रेड चीज़ यूज़ किया है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो चीज़ के स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं उसको तोड़कर। यहाँ मैंने प्रोसेस चीज़ को भी यूज़ किया है ग्रेट करके, यहाँ देखिए। और ये चिली फ्लेक्स यूज़ किया है, और इसे अच्छे से जो है हम फोल्ड करके इसका जो ये साइड में ये जो है अच्छे से इसको प्रेस करके पूरा लॉक कर दिया। यहाँ मैंने देखिए फ्राइंग पैन को गर्म किया है, इस पर भी मैंने गार्लिक बटर लगा दिया है, और मेरा फ्लेम जो है लो मीडियम पर है, और जो ये ब्रेड तैयार किया था उसको इस पर डाल दूँगी, और इसके ऊपर जो है गार्लिक बटर को लगा देती हूँ। इस तरह से देखिए अच्छे से लगा देने के बाद जो है मैं इसे कवर करके 4 मिनट के लिए इसे पकने दूँगी। 4 मिनट हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे से अगर थोड़ा सा पक जाएगा तो इसे हम पलट देंगे। ये देखिए इतना प्यारा कलर आ गया है, इसे भी 4 मिनट तक पकने देंगे। देखिए 4 मिनट हो गया है, देखिए चलिए देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा पक गया है। इस पर जो हम लोग जो है गार्लिक बटर थोड़ा सा लगा देंगे, और थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे इसे, तक इसका जो है ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में ये रेडी हो गया है चीज़ी गार्लिक ब्रेड। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।